तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों अपना जो वायर लगता है अपने घर में टोटल वायरिंग कौन कौन से एमएम किधर लगाना है दोस्तों, कितने एमएम का कौन सा वायर किधर लगाना है आज उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कैसा लगता है किधर कौन सा वायर। जैसे 1 mm का वायर हो गया किधर लगेगा अपना, 1.5 mm का, 0.75 का, 10 mm, 6 mm, इन सब वायर कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग दोस्तों, किस लिए यूज करते हैं, उस सभी वीडियो में आज जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला अपना 0.75 mm का वायर होता है दोस्तों, वो कहाँ यूज होता है, जो अपना अर्थिंग के लिए हम लोग अर्थिंग डलवाते हैं दोस्तों उसमें यूज होता है। जो अपना 0.75 mm का वायर होता है दोस्तों, उसको हम ग्रीन कलर का लेते हैं, तो अपने अर्थिंग के लिए टोटल यूज करते हैं अपने पूरे घर में दोस्तों, जिधर जिधर। और उसके बाद जो अपना 1 mm का वायर होता है दोस्तों, जो अपना 1 mm का वायर होता है, अपना जो पॉइंट आता है, पॉइंट अपना क्या होता है, जो अपना बल्ब होता है पॉइंट, वो बल्ब और फैन जो अपना सॉकेट्स होता है, इन सब में हम 1 mm का वायर यूज करते हैं, जिससे अपना फैन और बल्ब सॉकेट वॉकेट वगैरह वगैरह चलता है दोस्तों, 1 mm का वायर यूज करते हैं। उसको जो हम लोग न्यूट्रल डालते हैं उसमें दोस्तों, जो अपना जैसे मान लो 4 bulb है एक रूम में, फैन है, बाकी अपना लाइटिंग है, सॉकेट है, इन सब का जो न्यूट्रल बनेगा दोस्तों, उसको हम 1.5 mm डालते हैं, क्योंकि चारों का न्यूट्रल अपना एक रहता है, इसकी वजह से हम लोग 1.5 mm का न्यूट्रल डालते हैं दोस्तों। तो ऐसे हम लोग को जो 2.5 mm का वायर है दोस्तों, उसको हम लोग सर्किट के लिए यूज करते हैं, जो अपना मेन सर्किट, जैसे अपना रूम हो गया, रूम में पूरा न्यूट्रल न्यूट्रल कम्प्लीट होके अपना जो बोर्ड में मेन आता है MCV से, उसके लिए हम लोग 2.5 mm का वायर यूज करते हैं। उसमें हम लोग को 1.5 mm का, मान लो इन्वर्टर का वायर डालना है, तो 1.5 mm का यूज कर लेंगे दोस्तों उसमें, 1.5 mm का इन्वर्टर का वायर। बाकी जो अपना 4 mm का वायर है दोस्तों, उसको हम लोग AC के सर्किट के लिए यूज करते हैं, जो जिधर अपना AC लगता है, मान लो जिधर अपना AC लग रहा है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, जो अपना मेन सर्किट जाएगा AC के लिए, उसके लिए 4 mm का वायर हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। जो अपना 6 mm का वायर है, जिधर अपना मेन DV लगता है, जिधर अपना मेन DV पूरे घर का लोड जिधर रहेगा उधर हम लोग डालेंगे, ये नॉर्मली घर के लिए लगता है दोस्तों। जो अपना 6 mm का वायर है नॉर्मली घर के लिए है, जिधर अपना मेन DV लगेगा उसके लिए। और बाकी जो अपना है दोस्तों 10 mm का, 16 mm का, ये सब बड़ी बिल्डिंगों में लगता है दोस्तों, इधर अपना जो छोटा छोटा घर रहता है 4 रूम 5 रूम में, ऐसा कहीं भी नहीं लगने वाला है। जो अपना 10 mm का वायर है, 10 mm का वायर अपने बड़े बड़े बिल्डिंगों में लगता है, जो 6 mm का वायर रहता है अपने नॉर्मली घर के लिए रहता है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।